ओके स्टार्ट करते हैं। ओके लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था डिक्शनरी का। मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मैं डिक्शनरी पास कर रहा था, डिक्शनरी के मैं आइटम्स यहाँ पे गेट कर रहा था और हमें आउटपुट किस तरह करके आ रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक और यहाँ पे पाइथन पाइथन के अंदर मैं डेमो डॉट पी वाई फाइल चलाता हूँ। ये आपसे पर्सन नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ यासीन, फेवरेट कलर रेड, यस अगेन मैंने यस कर दिया, अली ये लिख देता हूँ येलो, यस उमेर वाइट नो कर देता हूँ। ये सारी मुझे वैल्यूज दिखा रहा है कि की यासीन और उसकी वैल्यू क्या है रेड, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है अच्छा अब हमने लेट्स सपोज काउंट करने हैं नंबर ऑफ आइटम्स को, काउंट करना है कि नंबर ऑफ आइटम कितने काउंट हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने इसको चेक भी करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ हो सकता है इसके अंदर मैंने 3 रेड्स किए हुए हो तो मुझे काउंट करके भी बताया कि इसके अंदर कितने रेड्स मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। क्लियर बात यहाँ तक, उसका भी अब हमने काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो काउंट वैल्यूज के नाम से, और उसके अंदर भी मैं सेम यही पास कर रहा हूँ परसेंटेज, परसेंटेज जो स्टोर हो रहा है मैंने बेसिकली ये देखने। क्लियर बात यहाँ तक, मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ। इस तरह करके मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफ शो काउंट वैल्यूज, इसके अंदर भी मैं पास कर देता हूँ डिक्शनरी, दो मैंने बना दी यहाँ पे। ओके डन बात यहाँ तक। अच्छा अब इसमें से वैल्यू कैसे गेट करूंगा, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट फॉर लूप लगा के आइटम्स, क्योंकि मैंने इसकी की और वैल्यू गेट करनी तो मैंने इस तरह काम कर दिया था। अब उस डिक्शनरी के अंदर से मैं वैल्यू कैसे गेट करता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा था डिक्शनरी डॉट वैल्यूज के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू को क्या करते हैं गेट करते हैं। डॉट कीज लिखते हो तो कीज मिल जाती है, डॉट वैल्यूज लिखते हो तो आपको क्या मिल जाती है वैल्यूज मिल जाती हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर काम कर रहे थे, इसको हम लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे करूंगा ताकि लिस्टिंग में नजर आए आपको एक अरे, वो उसमें पूरी एक सेट बना के ना दे आपको, लिस्ट बना के दे लिस्ट। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक इसका नाम मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पर्संस नहीं लिखते इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ कलर्स, कलर्स इज इक्वल टू, क्योंकि कल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कलर्स इज इक्वल टू ये वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं डन। और इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं प्रिंट करा देता हूँ, अभी डायरेक्ट में से प्रिंट करा रहा हूँ आपको कलर्स को, तो अब आप इसको चेक कीजिएगा ये आपको कलर्स यहाँ पे दे देगा। ठीक है ओके मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, इसको मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ उमेर रेड, यस यासीन वाइट नो, ये देखिए हमें यहाँ पे दे रहा है रेड और वाइट, ये तो ऊपर उसकी वैल्यू चल रही है और इसके नीचे कौन सी जा रही है मेरे पास रेड वाइट। क्लियर बात यहाँ तक ओके अच्छा मैं यहाँ पे एक प्रिंट करा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, यहाँ पे दिखा दूंगा दिस फंक्शन इज फॉर शो कीज एंड वैल्यूज, ये मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया और यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ प्रिंट दिस फंक्शन शोज काउंट ऑफ वैल्यूज के कितने काउंट्स हैं यहाँ पे। क्लियर बात यहाँ तक, इसके अंदर मैं प्रिंट यूज कर लेता हूँ प्रिंट प्रिंट, इसके अंदर मैं प्रिंट यूज कर लेता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ उमेर येलो यस यासीन वाइट नो, ये देखें अब यार ये प्रिंट खाली लिखूंगा तो मेरा क्या नाम है ब्रेक लगता है यहाँ पे। ठीक है मैंने खाली लिखा हुआ, ये मेरी कीज आ रही हैं और ये मेरी वैल्यूज आ रही हैं, मैंने अरे में इस तरह दिखाया। क्लियर इसको अगर मैंने सिंगल वे में दिखाना है तो इसको मुझे फिर लूप में यूज करना पड़ेगा, ये हमने लास्ट क्लास ये हमने देखा था किस तरह यूज करेंगे। फॉर लूप में मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा, फॉर कलर एक नया नाम रखा इन कलर्स और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये यूज कर लूंगा प्रिंट, नए नाम को यहाँ पे यूज करूंगा कलर को। और अब अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी भी यूज कर लेता हूँ ताकि ये टैब के साथ यहाँ पे आपके इनपुट ले, बैक स्लैश टी क्योंकि बिल्कुल साथ इनपुट ले रहा है वो आपसे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ बैक स्लैश टी।
अब मैंने इसको यहाँ पे फाइल को सेव किया, दोबारा चलाता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे और इनपुट ले रहा है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे इनपुट लेके यहाँ पे क्या कह रहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक कमर, कमर यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, यस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजवान, यहाँ पे लिख देता हूँ येलो, ओके यस, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ उमेर, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक वाइट, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा पहला फंक्शन चल रहा है जो मैं लास्ट क्लास वाला है हमारा, कमर वैल्यू रेड, ये सारी आपको वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। और ये अभी मैंने यहाँ पे काम किया, पहले वो आपको ब्रैकेट्स में दिखा रहा था और अब आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अब डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको लूप के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो लूप के थ्रू आपको सिंगल सिंगल आइटम दिखा रहे हैं, हमारे पिछले टॉपिक्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने लगाना है कि ये ऑटोमेटिकली आपको काउंट बताए कि अगर मैंने यहाँ पे हो सकता है तीन रेड्स बताए हों किसी यूजर के, तो यहाँ पे लिखे थ्री रेड्स टू येलो, इस तरह करके। अभी तो मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ ना, ये वाला काम हमने कर लिया था के हर का साथ। अब मैं यहाँ पे काउंट भी बताना चाहूंगा कि मेरे नंबर ऑफ अरेज में कितने नंबर ऑफ रेड्स हैं, कितने नंबर ऑफ येलोज हैं, क्लियर। अब हमने वो काम करना है, ठीक है, ओके। अब हम वो काम करते हैं, अब वो काम मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, यही मेरा यहाँ पे गेट कर रहा है, ओके, ये सारा मेरा यहाँ पे गेट कर रहा है। अब इसी के अंदर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। मैंने फॉर लूप के अंदर यहाँ पे काम करना है कि यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करे, ये काउंट करे, ठीक है। अब यहां पे मैं काउंट किस तरह करवाऊंगा, ओके, काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंट का फंक्शन, काउंट का फंक्शन किस तरह होता है, क्या लिखते हैं काउंट के लिए हम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट्स के कलर्स जिसमें मेरी वैल्यूज हैं, बेसिकली कलर्स के अंदर है मेरे पे, कलर्स डॉट काउंट, काउंट किसको करेंगे, कलर को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर को काउंट करें, कलर्स की वैल्यू को काउंट करें, और किसके मुताबिक काउंट करें, कलर के मुताबिक जो उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं एफ लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं मैसेज में दे देता हूँ लाइक देयर आर ऑफ लाइक दिस, ठीक है। अब ये मैं आउटपुट किस तरह आएगा ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहां पे लिख देता हूं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मैंने व्हाइट कितने बताए हैं, अभी ये सारी वैल्यूज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से देखो पहले इनपुट उमेर का व्हाइट, यासीन येलो, रिजवान व्हाइट, व्हाइट कितने हो गए, टू व्हाइट्स हैं यहाँ पे, मतलब थ्री व्हाइट्स हैं, ठीक है, और टू येलोज हैं और वन रेड है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है थ्री ऑफ व्हाइट, टू ऑफ येलो, थ्री ऑफ ये व्हाइट, वन ऑफ रेड। अच्छा, ये अब क्या कर रहा है, ये हर किसी का मतलब सिक्स वैल्यूज हैं उसने उतनी बार लूप चलना है, लेकिन काउंट कर रहा है ये, ओके okay? अच्छा, अब मैं यहां पे चाहता हूं कि ये काउंट कर रहा है, सही काउंट कर रहा है, लेकिन रेपिटेशन ना हो, तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था चीज के लिए कि रेपिटेशन को खत्म करने के लिए मैंने क्या चीज यूज की थी, रेपिटेशन खत्म करने के लिए, या सेट। तो हम बेसिकली यहां पे मैं सेट लगा दूंगा इस कलर के अंदर और इसको मैं सेट में कर दूंगा, दैट्स इट। अब इसको मैंने यहां पर सेट में किया, अब अगर मैं यहां पर वैल्यू चलाता हूं, अब मैं यहां पर लिख देता हूं लाइक कमर व्हाइट, यस यस यस, यस
यस नो ये ले। अब देखें वाइट यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3, थ्री वाइट्स, येलो 1 रेड 1, क्लियर बात यहाँ तक? ओके कोई मसला है यहाँ तक? बस ये मैंने किसके थ्रू काम किया, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे सेट लगाया, यहाँ तक इसे कोई मसला मसलन? ओके अब हम आगे चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक मैंने जो आपको कहा था कि मैं बाद में करूँगा वो आपको मैंने करवा दिया। ओके अब टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्लास का। अब हमने यहाँ पे क्लास बनानी, हम क्लास कैसे बनाएंगे अब उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हम क्लास किस तरह बनाएंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके क्लास बनाने का तरीका ये होता है, क्लास हमारा क्या होता है ये आपको मैंने पीएचपी में बताया था कि क्लास हमारा बेसिकली टेम्पलेट होता है जो हम बनाते हैं इसको दोबारा रियूज करने के लिए, ठीक है? ओके बेस में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, क्लास का आपको इतना स्मॉल में होगा सारा कुछ, ओके? और अब आगे मैं जो क्लास नेम लिखूंगा वो आपने कैपिटल में देना है। मैं क्लास नेम यहाँ पे दे रहा हूँ लेट्स सपोज पर्सन, आपने उसका पहला कैरेक्टर क्या रखना है, कैपिटल रखना है। और आपको पाइथन में आपको पता होता है कर्ली ब्रैकेट हमारी या राउंड ब्रैकेट यूज नहीं होती, राउंड ब्रैकेट यूज होती है, कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होती, तो कर्ली ब्रैकेट का हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, और जो उसके नीचे काम करेंगे वो टैब्स में काम करेंगे क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, राउंड ब्रैकेट लगती है लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, डन? अच्छा अब इस पर्सन के अंदर मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो आपका क्लास होती है क्लास कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, मैंने यहाँ पे बनाना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का फायदा ये होता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली मेरा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास को यूज करने का इंस्टेंस है कि मैंने क्लास की कोई भी चीज यूज करनी है मुझे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, अदरवाइज मैं उसको यूज नहीं कर सकता, क्लियर बात यहाँ था? और मुझे उसी क्लास का चाहिए। अब मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, जिस क्लास को मैंने यूज करना है मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको यूज नहीं कर सकता, क्लियर? इसको समझ लो ये आपके लॉक की की है, लॉक हमारा बेसिकली क्लास है और की उसकी ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू मैं उसको यूज कर सकूं अनलॉक करके, क्लियर बात यहाँ तक? ओके अभी मैं आपको यहाँ पे हम उस पर बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। अब मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा, ठीक है? उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं इनिट का, हम यहाँ पे इनिट यूज करते हैं, बाकी हम फंक्शन कैसे बनाते हैं df, डेफ लिखे, डेफ का मतलब होता है डिफाइन। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना होता है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का नाम इस तरह करके लिखना होता है इनिट लाइक दिस, ये डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर टू राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे आप अपनी तरफ से नाम नहीं रख सकते, नाम ना नाम यहाँ पे पर्सन रखेंगे, यहाँ पे आपने नाम इसका लाजमी इनिट रखना है क्योंकि इनिट यहाँ पे शो करता है, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है कि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और इसको बताने का तरीका क्या होता है कि आपने स्टार्ट में दो अंडरस्कोर और एट दी एंड ऑफ दो अंडरस्कोर आपने यहाँ पे लगाने हैं, डन बात यहाँ तक? ओके इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, क्लियर? ओके अब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज करना, हमने पीएचपी के अंदर यहाँ पे क्या यूज करते थे, हम पीएचपी के अंदर लिखते थे डॉलर दिस लाइक दिस नेम इज इक्वल टू, इस तरह करे करते थे, या ये तो अगर हम लिखते थे यहाँ पे लाइक उमेर PHP के अंदर डॉलर दिस और यहाँ पे लिखते थे एज इज इक्वल टू 24। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने लिखना है सेल्फ, सेल्फ आपका यहाँ पे कीवर्ड है, पूरी कीवर्ड आपने यहाँ पे सेल्फ यूज करना है। सेल्फ का मतलब होगा कि मैं इसी क्लास की वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ। अब सेल्फ हमारा यहाँ पे क्या है, PHP के अंदर हम दिस यूज करते थे, पाइथन ने दिस की जगह यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, सेल्फ यूज कर रहा है। तो सेल्फ आपने एक ऊपर बताना है और एक नीचे बताना है, ठीक है? यहाँ पे लिख देना है सेल्फ, कि सेल्फ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये मेरे बेसिकली इस क्लास की वेरिएबल्स में यूज कर रहा हूँ, सेल्फ का मतलब है अपनी क्लास के वेरिएबल्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लगाएंगे डॉट नेम इज इक्वल टू उमेर और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 24, ठीक है? इसी तरह करके मैं इसके अंदर वैल्यूज बता दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट सिटी इज इक्वल टू, ये भी अल्फाबेट में मुझे देना पड़ेगा लाहौर, सेल्फ डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल, क्लियर बात यहां तक? ये मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बनाया है, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब मैं इसकी टैप करके बैक प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड टैप का मतलब है मैं फंक्शन के अंदर हूँ और इस टैप का मतलब है मैं क्लास में हूँ। मैंने यहाँ पे बैक खत्म किया, अब मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह बनाना है, ऑब्जेक्ट हम उसमें किस तरह बनाते थे, पीएचपी के अंदर मैं लिखते थे डॉलर ए इज इक्वल टू पर्सन, इस तरह करके हम लिख देते थे,
क्लियर। अब मैं यहां पे किस तरह लिखूंगा, मैं यहां पे अब हमारा सिंपल सा वेरिएबल होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं P1 इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है। और अब इसको यहां पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते, मैं यहां पे लिख रहा हूं P1 इज इक्वल टू पर्सन। अब पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या बन गया मेरा यहां पे P1। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाने में लिखूंगा यहां पे P2 इज इक्वल टू पर्सन। अभी आपके जितने ऑब्जेक्ट बन देंगे इनकी नई नई मेमोरी एलोकेट हो रही है और इन दोनों के नए नए टेम्पलेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अभी बस मैं P1 को यूज कर रहा हूँ, जो वैल्यू P1 में स्टोर कराओगे वो P2 एक्सेस नहीं कर सकता, और जो P2 के अंदर करा है वो P1, दोनों ब्लैंक उसको मेरे बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट है। क्लियर? ओके, अब इसके अंदर एक्सेस किस तरह करेंगे, P1.name, मैंने क्या लिखा P1.name, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, मैं प्रिंट के अंदर यूज कर लेता हूँ प्रिंट P1.name मैंने लिखा। अब अगर जरा मैं यहाँ पे आपके आउटपुट में आता हूँ, मैं यहाँ पे python.demo क्या दे रहा है आउटपुट में, उमेर, ये उमेर कहाँ से कर रहा है, मैंने यहाँ पे P1 का ऑब्जेक्ट बनाया, P1 ऑब्जेक्ट किसका, पर्सन का। अब ये P1 में एक्सेस जो कर रहा है नेम को, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कराया हुआ है ये, अब मैं यहाँ पे लेट्स कॉल करा देता हूँ लाइक ये। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ, आंसर क्या दे रहा है, ओके। मैं इसको यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ लाइक, मैं यहाँ पे P1.name एक और करा देते हैं यहाँ पे, मैं यहां पे लिख देता हूं सिटी भी शो कर दे, जेंडर भी शो कर दे और एज भी शो कर दे। मैंने यहां पे सेव किया, इसको दोबारा चला रहा हूं, सारी वैल्यू शो कर रहा है। क्लियर यहां तक किसी को मसला? कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे चीज चेक करो, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? फंक्शन में तो एरर दे देता था, इसका रीजन ये है, सेल्फ एक कीवर्ड है, सेल्फ का मतलब होता है मैं क्लास की चीजें यूज कर रहा हूँ, तो ये बताना आपके लिए जरूरी नहीं होता, ये ऐसे हम बताते नहीं है। डन। अच्छा, एक हमने देखा था पैरामीटराइज्ड, कि अगर मैं चाह रहा हूँ, अब क्योंकि मसला ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे P2 का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, लाइक इस तरह लिखता हूँ P2 पर्सन, ओके, इससे पहले मैं एक प्रिंट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये उसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रिंट प्रिंट, और यहां पे इस प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूं कि सेकंड पर्सन इंफॉर्मेशन, ये मैंने हेडिंग दे दी, ओके, और यहां पे फर्स्ट वन वाले पे मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को पता चले कि किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे भी एक दे देता हूँ लेकिन इसको मैं यहाँ पे खाली कर देता हूँ, एक और मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे एंटर। अब इसको अगर मैं यहाँ पे फाइल चलाता हूँ, ये देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, फॉरगेट इट, मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा देता हूँ ये सारी वैल्यूज प्रिंट, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ P2। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अभी देख चेक करें वैल्यूज क्या आ रही है दोनों में, सेम आ रही है। मैं चाह रहा हूँ वैल्यूज, मैंने डायनेमिक काम करना, यहाँ पे क्या करना है, मैंने काम डायनेमिक काम करना है, तो डायनेमिक काम मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, आप उसकी तरफ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। क्लियर? अब मैंने डायनेमिक यहाँ पे काम ये करना है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने वैल्यूज इनपुट करवा कर यूजर से लेनी है वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अभी तो इनपुट की तरफ नहीं जा रहा, अभी मैं कह रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब मैं इसके अंदर पास करूँ वैल्यूज, जो वैल्यूज मैं इसके अंदर पास करूँ वो शो करे, क्योंकि अभी इसने फिक्स की हुई वैल्यूज। तो मैं इसके अंदर फिर आगे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोमा नेम, ये आप जरूरी नहीं है कि आपने वही नाम लिखना है, स्पेलिंग चेंज करना है स्पेलिंग चेंज कर दो, नेम एज सिटी ये देखे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी जी फॉर जेंडर, सेम भी करना डिफरेंट। अब आपने यहाँ पे जो मैड लिखा है उसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम, यहाँ पे लिख देंगे एज, ये वो वाले जो ऊपर आपने पैरामीटर से आ रहे हैं, और ये कौन से वाले हैं, ये हमारी क्लास के हैं, सेल्फ डॉट जो मेरी क्लास के हैं, और ये मेरे कौन से हैं, जो मेरे पैरामीटर से आ रहे हैं। क्लियर? और यहां मैं लिख दूंगा सिटी, और यहां मैं क्या लिख दूंगा जी। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रन करता हूँ, अब दोबारा फंक्शन आपको एरर दे रहा है, ये आपको कह रहा है फॉर मिसिंग रिक्वायर्ड पॉजिटिव पोजिशनल आर्गुमेंट, जो आपने यहाँ पे मिस किए हैं वो कौन से वाले, हमने ये बताने, सेल्फ हम नहीं बताते, सेल्फ के आगे वाले मैंने बताने। अब सेल्फ को आप खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ आपने सेल्फ लगाना है। क्लियर? तो सेल्फ हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा सेल्फ होता है। अब यहाँ पे मैं दे दूंगा लाइक उमेर, दूसरी वैल्यू दे दूंगा मैं यहाँ पे एज है, एज मिस नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वन इज योर सिटी, एंड सिटी मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक लाहौर,
और यहाँ पे जेंडर दे देता हूँ मैं मेल। ओके अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक ये एज दे देता हूँ मैं लाइक ये, सिटी में यहाँ पे दे देता हूँ लाइक ये, और जेंडर में यहाँ पे दे देता हूँ लाइक दिस वन। ओके इसको मैंने सेव किया, बाकी देखो नीचे वाला कोड मेरा सेम है, ये उसका ये पी वन का नेम उठा रहा है, पी वन का नेम हमारा यहाँ पे क्या सेव हुआ हुआ है उमेर, यहाँ पे पी टू का नेम यहाँ पे आयशा सेव हुआ भाई, जो भी वैल्यूज हैं उसके मुताबिक यहाँ पे एक्सेस करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ देखो वैल्यूज क्या आ रही हैं, क्लियर कोई मसला है यहाँ तक? ये मैंने किसके थ्रू यहाँ पे काम किया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे कोई पैरामीटर्स ना हो, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि अंदर हमारे पैरामीटर हो सकते हैं एक दो तीन चार जितने। अब यहाँ पे जो मैं पैरामीटर एक दे रहा हूँ ना सेल्फ, वो एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का काउंट नहीं हो रहा, वो एज अ डिफॉल्ट ही यूज हो रहा है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि एक और वेरिएबल बना दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी, मुझे पता है एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। अब मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे सारी कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, पंजाब, वो मैं यहाँ पे पैरामीटर में नहीं लूंगा, क्योंकि पैरामीटर में लूंगा मुझे हर बार लिखना पड़ेगा पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे पता है हर किसी की वैल्यू पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वो यहाँ पे क्या कर दिया है वो फिक्स कर दिया, अदरवाइज बाकी सबकी वैल्यूज मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू शो करवानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट पी वन डॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे भी यही लिखूंगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे भी शो करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी डॉट यूनिवर्सिटी। और अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब देखें यहाँ पे दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, मुझे वहाँ कंप्यूटर के अंदर बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि दोनों की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ रही है सेम आ रही है, यहाँ तो कोई मसला किसी को। ओके ओके अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे किस चीज का है। ओके जिस ये आपका गेटर है, गेटर आप लोगों ने पढ़े थे, व्हाट इज गेटर? गेटर गेटर क्या होते हैं, जो हमारी बेसिकली वैल्यू को क्या करते हैं रिटर्न करते हैं। ठीक है मैं यहाँ पे एक गेटर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेफ लिख रहा हूँ, डेफ के आगे लिख देता हूँ गेट नेम, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया गेट नेम, आपने जो भी फंक्शन का नाम रखना है रखें, मैंने टू राउंड ब्रैकेट्स टू कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न क्या क्या लिखूंगा रिटर्न नेम, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया रिटर्न नेम, या इस तरह करके रिटर्न कर दो, या मैं इसको इस तरह करके रिटर्न कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ स्टूडेंट नेम कॉलन, या तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, या फिर जो भी लगाना है, मैं यहाँ पे मुझे पता है एट दी एंड ऑफ आ रहा है तो मैं यहाँ पे अब कोमा तो लगा नहीं सकता क्योंकि रिटर्न में मसला है, क्योंकि रिटर्न में हमारी एक ही वैल्यू रिटर्न होती है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा सिंगल कोड के अंदर ही मुझे यूज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा एफ, क्लियर? ओके अब अगर मैं इधर आता हूँ इस फंक्शन को, मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ये पी वन डॉट नेम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी वन डॉट गेट नेम, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखना ऊपर मुझे नाम क्या शो करेगा, गेट नेम, हाँ अब यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्या ख्याल है, यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है नेम के अंदर? सेल्फ नहीं लगाया, मैं इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि कम इसके अंदर जो भी मुझे काम करना पड़ेगा मुझे सेल्फ के थ्रू काम करना पड़ेगा। मैं अब अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ आई वैल्यू, क्योंकि फंक्शन के अंदर वाली जब भी आपने कोई चीज यूज करनी है आपको उसके साथ सेल्फ डॉट लगाना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे वही आ रही वैल्यू स्टूडेंट नेम इज उमेर, लेकिन नीचे क्या आ रहा है सिंपल सा, क्योंकि नीचे मैंने वो फंक्शन कॉल नहीं किया, ऊपर मैं उमेर पास कर रहा हूँ तो उसने वही नाम पिक किया जो मैंने पास किया, लेकिन किस स्टाइल से कर रहा है स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले में मैंने ये काम नहीं किया, अब नीचे वाले में भी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट नेम, अब यहाँ पे भी उसी स्टाइल से काम होगा, देखिए क्लियर। आपने एक वैल्यू शो करानी है, दो वैल्यू शो करानी है, आप दो वैल्यू शो करवा दें इसी फंक्शन के अंदर, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ये लिख देता हूँ इज फ्रॉम
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम इस वन, और अब अगर मैं चला देता हूँ फंक्शन को रन कर रहा हूँ, क्या रहा है इज फ्रॉम, दोनों वैल्यूज अगर आपने दिखानी है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्लियर, कोई मसला, ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे इनका इनपुट भी ले लूँ, इनपुट भी ले सकता हूँ, इनपुट अगर हमने यहाँ पे करनी यहाँ पे कर लो, अगर हमने ऊपर करनी ऊपर कर लेते हैं, इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। अगर हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन बनाना है, इनपुट फंक्शन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेफ यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम जो भी रख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक इनपुट टू डाउन ब्रैकेट्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट, इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे टू राउंड ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नेम, ठीक है, और बैक स्लैश टी लगा देता हूँ ताकि इसमें ये आ जाए, और इसको सेव किस में करा दूंगा, नेम में, लेकिन नेम इसमें एक्सेस होगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सेल्फ डॉट नेम, लेकिन इस फंक्शन के अंदर ये सेल्फ क्या है वो मुझे यहाँ पे इसके अंदर बताना पड़ेगा, क्लियर। अब इसी तरह करके मैं यहाँ पे और चीज लगाऊंगा, बाकी भी वैल्यूज मैंने एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट सिटी, सेल्फ डॉट जेंडर, ओके, और सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी, क्लियर। मैंने यहाँ पे ये किया, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इनपुट योर, एंटर योर एज, एंटर योर, एंटर योर सिटी, ओके, एंटर योर जेंडर और एंटर योर यूनिवर्सिटी, क्लियर, ओके। ये मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अब अगर मैंने इन सब की यहाँ पे आउटपुट भी दिखानी है तो मैं यहीं पे एक फंक्शन और बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो रिजल्ट्स, तो मुझे नीचे बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं एक ही में यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सेल्फ, और जो मैंने काम जो नीचे किया हुआ है जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट सिटी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर मैंने इसका नेम भी शो करवाना है प्रिंट, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम, और अगर इसी के अंदर मैंने फंक्शन भी कॉल करना है तो प्रिंट सेल्फ डॉट गेट नेम, ये जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये भी फंक्शन चल जाएगा, क्लियर बात यहां तक, कोई मसला, जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा ये इसकी वैल्यू दिखाएगा, ये वैल्यू दिखाएगा, और ये फंक्शन कॉल कर रहा है तो उसके ऑटोमेटिकली मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये मेरा नेम भी दिखाएगा और यूनिवर्सिटी भी दिखा देगा दोबारा, क्लियर, ओके। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, अब जरा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अच्छा अगर हमने फंक्शन को कॉल नहीं करना तो मैं फिर एक काम एक और ये भी कर सकता हूँ कि ये वाला कोड मैं किधर कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर में कर दूंगा, क्योंकि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो आपसे इनपुट मांगेगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, लगता है फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे काम कर दूंगा इनपुट वाला तो जैसे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपसे क्या मांगेगा, इनपुट मांग लेगा, और अगर मैं ये आउटपुट वाला फंक्शन ये शो रिजल्ट वो इसके अंदर इनपुट के बाद कॉल कर देता हूं तो जैसे कंस्ट्रक्टर चलेगा वो पहले आपसे यहां पे इनपुट लेगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या कर देगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दोनों काम नहीं करने पड़ेंगे, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी के लिए जो मैं यहां पे काम करना चाह रहा हूं वो मैं ये कर देता हूं, मैं इनको यहां पे खाली रख रहा हूं कि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, अभी मैंने बस डिफॉल्ट बनाया है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहां पे रन करता हूं, रन करने के बाद मैंने यहाँ पे काम मिस किया हुआ है, वो जरा मैं नीचे आता हूँ, वो मैंने काम क्या मिस किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन नेम, उसके बाद मैंने ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि पैरामीटराइज मेरा नहीं रहा, मैंने यहाँ पे बस सेल्फ कर दिया, ओके।
ये मेरा यहाँ पे सेल्फ हो गया कंसल्टर, और इस कंसल्टर के बाद में जब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम मैंने उधर कर दिया है, अब मुझे बार बार देखो कोड लिखना नहीं पड़ा, मेरा लाइन ऑफ कोड देखना बड़ा छोटा हो जाएगा, वहां मैंने बस एक ही दफा लिखा है, और यहाँ बस मैं क्या लिखूंगा पी वन डॉट टेक इनपुट का फंक्शन जो मुझे बार बार लिखना पड़ना था यहाँ पे, और पी वन डॉट शो, या शो मैंने इधर नहीं करवाना अभी रोचे, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे भी देखें मुझे एक दफा ही बस कॉल करना पड़ेगा, मुझे वो लाइन ऑफ कोड मेरी यहाँ पे लेस हो गई है पी टू डॉट टेक इनपुट, और मैंने ये कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके दिस इज योर फर्स्ट पर्सन नेम, फर्स्ट की दिखानी सेकंड की दिखानी सब टू यू, फर्स्ट पर्सन इंफॉर्मेशन, और इसके नीचे मैं यहाँ पे फिर क्या कर दूंगा पी वन डॉट शो रिजल्ट्स को कॉल कर रहा हूँ, और इसी के बाद मैं दूसरे वाले को भी यहाँ पे यहीं पे चला देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी टू डॉट शो रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड पर्सन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं अब यहाँ पे रन करता हूँ, अभी देखें उसे इनपुट मांग रहा है, ठीक है, उमेर एज, इसके बाद मैंने बैकस्लैश टी नहीं लगाया है, अच्छा वो उसके बाद टैब उतनी बंद है, ठीक है, 24 सिटी लाहौर जेंडर मेल यूनिवर्सिटी यूएल लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने बनाया हुआ था तो वो दोबारा आपसे इनपुट ले रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके एज दे देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 20, और सिटी में यहाँ पे देता हूँ लेट्स सपोज चेंज कर देते हैं, और जेंडर फीमेल, और यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे देते हैं लाइक पीयू, ठीक है। अभी देखें दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और मेरा देखो चेंज पे फंक्शन चला है, ये जो कार्ड यहाँ पे जो मेरा कोड इतना बड़ा होना था, ये जो मेरी बार बार लाइन है दोनों के लिए बार बार रिपीट होनी थी, तो मैंने इसको क्या किया कि मुझे पता था कि दोनों ने एक ही चीज़ सेम यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मेरे उनके ऑब्जेक्टिव हम आने थे, यही काम मैंने क्लास के अंदर ले गया हूँ और फंक्शन बना के, अब ये चीज़ हमारी उस क्लास की है, तो मैंने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट नेम की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया सेल्फ 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 सेल्फ, अब ये दोनों के लिए हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। क्लियर बात यहाँ तक, कोई मसला? ओके ओके अब आगे चलते हैं, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे कोई मसला तो नहीं मुझे लग रहा है तो मुझे बता दो। यहाँ मैंने अभी बस क्या किया है, मैंने कंसल्टर बनाया हुआ है, एक मैंने इनपुट का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ, और मैंने एक आउटपुट का फंक्शन बनाया है जिससे मेरे आउटपुट दे रहा है, और ये मेरा एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे इन दोनों के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ, और ये मैंने दोनों की, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये मैंने इसकी इनपुट ली है, ये मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी इनपुट ली है, और ये मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया है दोनों पी वन की रिजल्ट दिखा दिया और पी टू का रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा काम मैंने यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे अभी तक जो हमने देखे हैं अभी तक मैंने आपको बनाए हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना बताया और क्या बनाना बताया फंक्शन, ठीक है। क्लास की जो भी चीज होती है उसको कहते हैं इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इंस्टेंस को लगा दें सर क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता, ठीक है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल होगा उसको कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल नहीं कहोगे, वेरिएबल तो सिंपल वेरिएबल होता है, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर यूज नहीं, इंस्टेंस फंक्शन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इस तरह करके बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को बेसिकली कहते हैं इंस्टेंस, ओके। पर्सन के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक यहाँ पे कोई भी एक नाम बना लेते हैं, क्या नाम मैं यहाँ पे बनाऊँ लाइक लिख देता हूँ शेप इज इक्वल टू सर्कल, मैंने ये वेरिएबल बनाया, मैंने क्या लिखा यहाँ पे शेप इज इक्वल टू सर्कल, अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे शो करानी है शेप की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मेरे इस क्लास के अंदर मेरे फंक्शन से मैंने फंक्शन कैसे एक्सेस किए नीचे आके, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक्सेस किए मैंने फंक्शन, किसके थ्रू एक्सेस किए, पी वन के थ्रू, पी टू के थ्रू, मतलब किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब एक मैंने वेरिएबल बनाया है इसी क्लास के अंदर, किस नाम से, शेप के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू क्या यहाँ पे सर्कल, ये मैंने एक्सेस करना है। अब जरा इधर आ जाते हैं,
मैं इन सबको कमेंट्स में कर देता हूँ कि दोबारा ये रन ना हो, क्योंकि मुझे फिर दोबारा इनपुट देनी पड़ेगी इनकी। इनको मैं यहाँ पे कमेंट्स में कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। इस प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पी वन इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे किस तरह एक्सेस करूंगा, पी वन डॉट शेप। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आउटपुट में आ गया सर्कल। ओके, मैं अब डायरेक्ट एक्सेस कर लेता हूँ उसको। मैं डायरेक्ट क्लास नेम लिख रहा हूँ, क्लास नेम मेरी यहाँ पे क्या, पर्सन डॉट शेप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ पर्सन डॉट फंक्शन नेम मेरा यहाँ पे क्या था, टेक इनपुट, चेक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया। एरर वो इसलिए क्या दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल क्लास का है। इस क्लास का मतलब ये होगा कि ये मेरी क्लास के थ्रू भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हिस्सा किसका है, क्लास का। तो इसको हम क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और विदाउट क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों वे में हम क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं और विदाउट क्लास भी एक्सेस कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं और क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे मेथड्स हैं ना, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स के हैं, ये मेरे सारे इंस्टेंस मेथड्स हैं, इनको बस मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास नेम के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि सेल्फ का मतलब ये है कि ये क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, कि ये क्लास ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है सेल्फ। क्लियर बात यहाँ तक, डन। और ये जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट के हैं। ये आपको मैंने अभी नेम शो करके दिखाया था, पी वन डॉट नेम लिखा था, एक्सेस हुआ था। लेकिन अगर मैं अब यहां पे लिखूंगा लाइक प्रिंट के अंदर लिख देता हूं पर्सन डॉट नेम, जो नेम है मैंने ये एक्सेस करना है। और अब अगर मैं यहां पे एक्सेस करता हूं, यहां पे आपको एरर दे रहा है नेम में भी, उसको कह रहा हैज नो एट्रीब्यूट नेम। लेकिन अगर मैं नेम ऊपर बता देता हूं, इधर मैं यहां पे लिख देता हूं लाइक नेम इज इक्वल टू नो नेम। ठीक है, और अब अगर मैं चला देता हूं, ओके, अभी आपको इनपुट पे एरर दे रहा है, जस्ट वेट। मैं यहां पे इनपुट वाली लाइन को कमेंट्स में कर देता हूं, और अब अगर मैं चलाता हूं, दिस फाइल इज नॉट सेव, सेव सेव सेव। वो वैलिडेंट चेक ओवरराइट, ये कमेंट मैंने कब किया है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे चला रहा हूँ। ये देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, नो नेम, क्योंकि अभी किसका नेम किसका हिस्सा है, क्लास का भी है और ऑब्जेक्ट का भी है, यहाँ तक कोई मसला। लेकिन जो मेरे यहाँ पे फंक्शंस हैं, वो मेरे बस किसके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं मेरे फंक्शन के भी यहाँ पे, फंक्शन के मैंने क्लास के भी यहाँ पे क्या बनाने, फंक्शंस बनाने। तो अब मैं क्लास के फंक्शन यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे क्लास के फंक्शंस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ है, सेल्फ शो कर रहा है ये मेरा ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख रहा हूँ, तो सेल्फ यहाँ पे शो कर रहा है ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने यहाँ पे बनाने हैं क्लास के फंक्शंस, क्लास के भी बना लेते हैं। मैं इसके नीचे आके बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो बस एक्सेस होगा थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी जो मेरे वेरिएबल्स हैं, वो मेरी क्लास के भी वेरिएबल्स हैं और मेरी ऑब्जेक्ट के भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया क्लास मेथड। ओके, अच्छा, क्लास मेथड के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ डेफ। डेफ के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एल एस। सी एल एस का मतलब है क्लास। ओके, मैंने अब यहाँ पे स्टार्ट में ये बता दिया एट द रेट ऑफ क्लास मैटर्स। अब इसके नीचे मैं जितना भी काम टैप लगा के करूंगा ना, फंक्शन बताऊंगा, वो मेरा किसका हिस्सा होंगे, फंक्शंस मेरे मैटर, उसके क्लास के मैटर्स होंगे। प्लस मैं इसके अंदर सी एल एस लगा रहा हूँ, सी एल एस का मतलब है ये मेरे क्लास का मैटर है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज रनिंग, कुछ भी यहाँ पे दे दें आउटपुट, मैंने दे दिया इट इज रनिंग। और अब अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ,
पाइथन डॉट डेमो, सॉरी डेमो भी चलाने का फायदा नहीं है, जस्ट वेट, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है। अब ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल किस तरह करूंगा, अब उसको देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट पर्सन डॉट ए बी एंड सी, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ पी वन डॉट ए बी सी, ठीक है, एक मैं डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और एक मैं किस तरह कॉल कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखें किस में एरर देता है। ओके मैंने इसको सेव किया, इसको रन कर रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको पहले कमेंट्स कर रहा हूँ, चलो डेफ एबीसी अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यहाँ पे नहीं आ रहा इंडेंट, ओके ओके ये देखें एक्सेस कर रहा है, इट इज रनिंग, ये किसके थ्रू इसने एक्सेस किया। अच्छा यहाँ पे ना टैब नहीं आना, इसके बिल्कुल नीचे आपने लिखना है, यहाँ पे आपको क्या दे रहा है पर्सन डॉट एबीसी, मैंने क्लास के थ्रू एक्सेस किया, एक्सेस हुआ। अब अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करता हूँ, इधर एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, अब अगर मैं इसको क्लास के थ्रू एक्सेस, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब यहाँ पे चेक करें एक्सेस हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लास का मसला होता है कि क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लास का ही होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सब कुछ एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्लास के ऊपर है, आप समझ लो वैलिडेशन है कि वो चीज को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। डन, ठीक है, क्लास इंस्टेंस की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि इंस्टेंस क्लास की हर चीज को एक्सेस कर सकता, अपनी को भी और क्लास की चीजों को भी एक्सेस कर सकता है, बस क्लास के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो इंस्टेंस की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ चीजें, ओवरऑल हर चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनको एक्सेस कर रहा था वो आपको मैंने दिखाई चीजें। डन, ओके ओके, अब इसके आगे अब हम यहाँ पे चलते हैं, ओके अब हम आ जाते हैं स्टैटिक मैट्रिक्स। स्टैटिक मैट्रिक्स क्या होते हैं मैं यहां पे बता देता हूँ, स्टैटिक मैट्रिक्स बता देता हूँ, स्टैटिक मैट्रिक्स मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके ओके, स्टैटिक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, स्टैटिक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक डी एफ, ठीक है, और डी एफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक स्पीड का एक फंक्शन बना लेता हूँ, स्पीड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू लिख देता हूँ 200 माइल्स पर आवर, मैं ये लिख रहा हूँ 200 माइल पर आवर। इसके अंदर देखो मैं 7 वैल्यूज दे रहा हूँ, ये हमारी बेसिकली एस की क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, मैं प्रिंट करा देता हूँ लाइक एस, ठीक है, और अब इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, इसको मैं अभी एक्सेस किसके थ्रू कर रहा हूँ, मैं दोनों कमेंट्स में कर रहा हूँ, इसको अभी मैं एक्सेस कर लेता हूँ पर्सन डॉट स्पीड लिखता हूँ, और मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो एस की वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, वो क्या कर लेगा 200 माइल्स पर आवर, और अब अगर इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सॉरी क्या आ रहा है 200 माइल्स पर आ रही, किसके थ्रू इसने एक्सेस किया है पर्सन के थ्रू, और अगर इसकी वैल्यू मैंने ऑपरेट करनी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी पास कर दूंगा, लिख दूंगा 400 माइल्स, ठीक है, पर मिनट मैं ये लिख देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे चला देता हूँ तो देखना इसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, पर्सन मेरी क्लास नेम है यार, ये क्लास नेम के थ्रू मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं यही काम ऑब्जेक्ट के थ्रू करता हूँ, देखता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी वन डॉट स्पीड, चेक करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने एक्सेस किया हुआ है, मतलब जो क्लास की चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट सब कुछ एक्सेस कर रहा है, सिर्फ क्लास के ऊपर है कि वो ये चीज एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट के लिए ओपनली है सब कुछ, वो सब कुछ एक्सेस करेगा जो जो उस क्लास का हिस्सा है, दूसरी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता वो, ठीक है, ये तो सिंपल सा टॉपिक है कि वो दूसरी क्लास को एक्सेस नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी वैल्यू ओवरराइड कर देता हूँ, और अब अगर चला देता हूँ वैल्यू से क्या कर दी यहाँ पे ओवरराइड कर दी, यहाँ तक ही मसला, ओके अब आगे चलते हैं यहाँ पे,
ज्यादा तो नहीं हुआ है। ओके अब आगे यहां पे देख लेते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल फाइल्स बना रहा हूँ, मल्टीपल फाइल्स बनाने के बाद मैं उन सबको एक्सेस करूंगा, ठीक है। अभी मैं सारा काम किस में कर रहा हूँ, एक फाइल में। अब मैंने इनको करना है अलग अलग फाइल्स में, ठीक है। उन तो कहते हैं पैकेजेस वगैरह, ये काम मैंने करना है अलग अलग फाइल में, मैंने इम्पोर्ट करवाना है, क्लियर। ओके अब वो मैं किस तरह कराऊंगा, ये मेरा पाइथन फाइल्स का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फाइल बना रहा हूँ, न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस फाइल का नाम, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लाइक पर्सन, सॉरी इस फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा बना रहा हूँ फाइल पर्सन डॉट पी वाई, क्लियर। ओके और एक और बना लेता हूँ, न्यू फाइल फंक डॉट पी वाई, इसके अंदर मैंने फंक्शंस बनाने, कुछ फंक्शंस बनाने, ठीक है। और एक और मैं बना लेता हूँ, वो डेमो, चलो वो डेमो की फाइल है मेरी, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो सारा काम मैं इधर कर रहा हूँ ना, अब मैं इस काम को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट वाला जो कोड होगा ना, ऑब्जेक्ट बना के जो मेरा मेन का पोर्शन है वो मैं करूंगा इधर, ठीक है। क्लास का कोड मैं कहाँ पे करूंगा, इधर। और फंक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो मेरे क्लास के हिस्से नहीं है, वो मैं काम कहाँ पे कर दूंगा, इधर कर दूंगा, ठीक है बात यहाँ तक। ओके अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर्सन वाला जितना कोड है इस फाइल से मैं उठाता हूँ, कहाँ पे कोड है पर्सन वाला, ये सारा कोड है मेरा पर्सन का, यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, सारा मेरा पर्सन का है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसको मैं कहाँ पे रख देता हूँ, इस फाइल में मैंने रख, डन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको चीज़ मैंने समझानी है, ये मेरी पर्सन की चीज़ हो गई है। ओके अब इसको मैं यहाँ पे एक्सेस किस तरह करूँगा, अब देखो अगर मैं फंक्शन के भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बस मैंने इतना ही कोड किया, ठीक है। अब इतने कोड करने के बाद अगर मैंने यही कोड मेरा भी चल रहा था, अब अगर मैं इसको चला के देखता हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है, उसको पर्सन फाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्सन एक अलग फाइल में चला गया। अब मुझे उस फाइल को अटैच करना पड़ेगा, इस फाइल को हम अटैच किस तरह करते हैं, फ्रॉम, ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम मेरी यहाँ पे किस नाम से, जिसको मैंने अटैच करना है डेमो में, पर्सन, दैट्स इट। हम यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइल नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन, ठीक है। पर्सन के अंदर से मैंने इंपोर्ट किसको करना है, पर्सन को, वो क्लास नेम है, ठीक है। इसको मैंने एक्सेस करना है किधर से, इधर से एक्सेस करना है, क्लियर बात यहां तक। ओके अब अगर मैं इसको यहां पे चलाता हूं, सॉरी ये नहीं आना, ठीक है। ये देखो वैसे आपको एरर यहां पे समझा देता है, ये जो एरर यहां पे लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है ये लाइन की गलती आपकी, ये आपको मुझे कहां पे एरर लगा रहा था, ये कॉलन पे लगा रहा था कि कॉलन यहाँ पे लाओ नहीं है, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स आपको दे रहा था। अब देखो इसने वही एक्सेस कर लिया, अब मेरा कोड कहाँ पे हो गया, दो अलग अलग फाइल में। इससे पहले मैं यहाँ पे कौन सा कोड चला रहा था, इससे पहले मैं यहाँ पे कोड यहाँ पे चला रहा था कि ये वाला कोड था मेरा, दिस वन दिस वन दिस वन, के में कोड चला रहा था, जिसमें मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, पी वन का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके इनपुट ले रहा हूँ, उसके बाद P2 का ऑब्जेक्ट बनाया उसकी इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था उसकी, ये P1 की वैल्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे किसकी वैल्यू दिखा रहा हूँ, P2 की दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, वही काम चल रहा है मेरा, ये लिख दिया। नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे अहमद एज 25 सिटी इस्लामाबाद जेंडर मेल यूनिवर्सिटी, ठीक है वैल्यूज आ रही हैं। मैंने बस उस फाइल को अटैच करना था, वो मैंने फाइल यहाँ पे अटैच कर दी, उसके बाद मेरा यहाँ पे कोड चल रहा है क्योंकि इसको फाइंड हो रहा है, क्लियर। अच्छा अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ फंक्शंस बना लेता हूँ, इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन वो क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब आप ये ना करना कि उस क्लास का कोड आप यहाँ पे कर दो तो वो मसला करेगा, ठीक है। अब क्लास का कोड आपका सारा फंक्शन इधर ही रहेगा,
ये मैं एक अलग से फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, जिससे मैं पहले फंक्शन ही बनाता था जो मैं इधर डेफ बनाता था, अब वो फंक्शन मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन हम यहाँ पे अब किस तरह बना लेते हैं, ये कुछ फार्मूलेज हैं, ये देख लेते हैं, इनमें से ही हमने कुछ लाना है। मैं एक बना लेता हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वेयर का, ठीक है। मैंने नेट से उसने कुछ फार्मूलेज वगैरह देख लिए, एरिया ऑफ स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ डी एफ, ठीक है, ये डेफ इसके अंदर काम कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वेयर, ठीक है, टू राउंड ब्रैकेट्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ। मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट करना है प्रिंट कर दो, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न में किसको किसको कर रहा हूँ, रिटर्न में कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है स्क्वेयर एरिया का, ए स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे ए स्क्वेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वेयर लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वेयर, कैसे लिखूंगा यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बाय लिख दो, ठीक है, या तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय टू, क्लियर। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, कोई मसला, ओके। अब ये ए मेरा बेसिकली यहाँ पे है क्या, उसकी चारों साइडें की बात करना, मतलब उसकी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वली होती हैं स्क्वेयर की, डन, ओके ओके। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। दूसरा हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, मैं एक ये फॉर्मूला, एक ये फंक्शन बना लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल की, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, एरिया ऑफ यहाँ पे मैं सर्कल का बना लेता हूँ, कोई भी फंक्शन की, बस मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पता चल जाए। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता है, हमें जो स्क्वायर किसकी चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, आर लिख दो या रेडियस लिख दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेडियस लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.147, ये पाई की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस, उसके बाद उसका स्क्वेयर, ओके। अब आगे चलते हैं, इसका भी हो गया हमारे पास, ओके। ये अब ये पैरामीटर हमने एक इसका भी बना लेते हैं, लाइक कितने भी आपने यहाँ पे फंक्शन बनाने हैं, हम सारे फंक्शन बना रहे हैं, ओके। मैं यहाँ पे डेफ लिख रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे डेफ लिखता हूँ, ये मेरा पैरामीटर किसका है, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर। पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे बेसिकली किस नाम से है, यहाँ पे इसका है 4a, मतलब जो भी एक साइड होगी उसको चार दफा ये बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे a है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4a। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये स्क्वेयर नहीं है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई a है, दिस इज नॉट स्क्वेयर, डन। आगे चलते हैं अब हम, ये पैरामीटर मेरा ट्राइंगल का है, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडें के बेसिकली इसने प्लस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, या मैं लिख देता हूँ साइड साइड वन, साइड टू और साइड थ्री। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री, इसको इतना भी कर दो, या इसको मैं इतना भी कर सकता हूँ, कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर एस इज इक्वल टू दिस एंड रिटर्न, एक ही बात है, पहले आर एस में स्टोर करा के मैं फिर इसको क्या कर रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ, या डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो, इसमें आपकी चॉइस है आपने कौन से वाला काम करना है, डन। अच्छा, ये तीनों मैंने फंक्शन बना लिया, इनको मैंने एक्सेस करना है, इनको मैंने एक्सेस कहाँ पे करना है, इनको मैंने एक्सेस करना है, मैं यहाँ पे, ये मेरा बेसिकली है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ओके। इसको एक्सेस मैंने कहाँ पे करना है, मैंने डेमो वाले पेज पे एक्सेस करना है। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सेस किस तरह करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम फाइल नेम, फाइल नेम मेरी यहाँ पे क्या है, अच्छा ये शर्त ये है कि सारी चीजें आपकी इधर ही मौजूद हो, इधर मौजूद नहीं होंगी तो ये नहीं चलाएगा, उस फोल्डर के अंदर होंगे, आप फाइल नेम का पार्ट बताते हो, फ्रॉम फ्रॉम में आपने बताना है किस फाइल से मैंने करना है, एफ यू एन सी, ठीक है, और इस फाइल से मैंने बेसिकली इंपोर्ट किसको करना है, ये फाइल तो मैंने कर ली, अब इसको इंपोर्ट मैंने किसको करना है। अब यहाँ पे मेरा आउटर जो था ना, बस आउटर इस क्लास के अंदर, वो सबसे आउटर जो सबसे पहले वाला टैब जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, पर्सन है, बाकी सारे मेरे किसके पोर्शन है, पर्सन के। अगर मेरा यहाँ पे कोई और बाहर होता मैं उसको भी इंपोर्ट करता। अब यहाँ पे क्या सीन है, फंक्शन के अंदर चारों मेरे फर्स्ट पे हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक वाली फाइल में से मैंने किसको इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करना है एरिया ऑफ स्क्वेयर को। अब ये बस एक ही फंक्शन को कर एक्सेस करेगा, वो कौन सा फंक्शन है, एरिया ऑफ स्क्वेयर। मैं यहाँ पे अगर आपको रन करके दिखाता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ लाइक एरिया ऑफ स्क्वेयर,
हमने इसी को एक्सेस किया है स्ट्रेट। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर मुझे क्या यहाँ पास करना था, एक पैरामीटर है या नहीं। हाँ पैरामीटर है, और इसके अंदर मैं ए मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखें पहले इनपुट मांग रही है आपसे। अच्छा, इसको मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बस रिटर्न करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ। लाइक इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके okay, मैं इस फाइल को दोबारा रन कर रहा हूँ, देखें आंसर आ रहा है 4। इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बैकस्लैश टी, ठीक है, और कोमा लगा के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर 4। यहाँ तक की मसला क्लियर। अच्छा, अब मैं दूसरे वाला फंक्शन यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, एरिया ऑफ, अगला हमारा यहाँ पे क्या था, सर्कल का लेट्स सपोज कर लेते हैं, और उसका नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं लेट्स सपोज मैं 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसको एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है इस फाइल में एरिया ऑफ सर्कल का डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं इसको फाइंड हो रहा है, क्योंकि आपने उसको अटैचमेंट नहीं की ऊपर। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके अगर अटैचमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इस क्लास में सारी चीजें एक्सेस करनी है जो फर्स्ट टैब पे होती है, उसकी पे बात कर रहा हूँ, फ्रॉम फंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ मैं पैरामीटर्स नहीं बता रहा हूँ, बस मैं फंक्शन का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा, अब ये इसको देखो एक्सेस कर लेगा, सारे नहीं बता सकते, या तो आपके क्लास के अंदर कर दो, फिर उस क्लास को एक्सेस कर लो, फिर आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगर आपने सारों को एक साथ एक्सेस करना है, उन सारे फंक्शन को किसके अंदर रख दो, क्लास में, यहाँ पे बस क्लास के अटैचमेंट लगा दो, लेकिन फिर आपको वो एक्सेस डायरेक्टली नहीं होंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर डॉट लगा के उनको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। क्लियर बात यहाँ तक, ओके ओके। इसके बाद ओके फाइन, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, डेट्स इट। किसी का यहाँ तक भी सवाल,